हाई गाई इज एम साक्षी पावा एंड वेलकम बैक टू माई चैनल नॉलेज कलोर सो चलो स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट दिस इज़ पार्ट फाइव सो एड डिटेक्शन की सीरीज़ आई बी पी एस क्लर्क के लिए चल रही है तो मेक श्योर कि आप ये सारे के सारे क्वेश्चन ज़रूर सोल्व कर लें टू हंड्रेड प्लस क्वेश्चन का टारगेट है हमारा विदाउट एनी फर्दर डू बिगिन करूंगी क्लास को यस जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप वीडियो को पॉज करेंगे अटैम्प्ट करेंगे एंड देन कॉमेंट सेक्शन में आफ्टर द वीडियो इज ओवर अपना स्कोर जरूर मेंशन कर दीजिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास इज दिस ठीक है जी राइट सो हमारा जो करेक्ट आंसर है इसमें वो है ऑप्शन नंबर ए अब ध्यान से सुनिएगा द ब्यूटिफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इंटैंटेड माई फैमिली सो मच दैट दे डिसाइडेड टू स्टे फॉर वन मोर वीक आपको मीनिंग तो समझ में आ गया होगा कि ये प्लेस बहुत ही सुंदर है ब्यूटीफुल सराउंडिंग है वहाँ पर तो मेरी फैमिली को इतना एंचान्ट कर दिया इस जगह ने इंचांट मतलब खुश हो गई मेरी फैमिली मेसमोराइज हो गई यहाँ पर रह कर एकदम उनको ये वातावरण अच्छा लग रहा है इन्वायरमेंट अच्छा लग रहा है कि उन्होंने सोचा कि एक हफ़्ते और रुक जाएंगे ठीक है अब एक्चुअली मैं यहाँ पर हमको एस लगाना पड़ेगा उसका रीजन बताती हूँ आपको सराउंडिंग एक ऐसा वर्ड होता है जो एडजेक्टिव भी होता है और नाउन भी होता है ठीक है बेटा अब यहां पर आप अगर यू नो एडजेक्टिव की तरह इसको लिखेंगे तब हम उसमें एस नहीं लगाते हैं जब भी आप इसको नाउन की तरह लिखते हैं उसमें हमें एस लगाना पड़ता है ठीक है अब आप देखिए ब्यूटिफुल ऑलरेडी आपका एडजेक्टिव है आपको यहाँ पर नाउन देना पड़ेगा इसीलिए हम यहां पर एस लगाएंगे ठीक है अब ये नहीं समझना कि प्लूरल कर रहे हैं उसको बट सराउंडिंग्स जब आप लिखते हो वो नाउन होता है और सराउंडिंग एडजेक्टिव होता है तो यहां पर इसीलिए सराउंडिंग्स आएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट वन बेस्ड ऑन हिस्स परफॉर्मेंस द एम्प्लॉई द एम्प्लॉई अ अबाउट हिज प्रमोशन इन हिज ऑफिस डिपार्टमेंट से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्योंकि एम्प्लॉय खुद कैसे अश्योर कर सकता है आप खुद सोचो क्या एम्प्लॉय ने अश्योर किया होगा क्या हमें इसे एक्टिव वॉइस में लिखना है या पैसिव वॉइस में लिखना है एक टू बी ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर क्योंकि पास्ट टेंस में बात चल रही है ठीक है आ, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस पर उसको अश्योर किया गया था इसीलिए हमने वॉज लगाया है ठीक है बेटा वॉज so, assured आप लिख देंगे इसका मतलब है कि इंप्लॉय को अश्योर किया गया था क्योंकि इंप्लॉय डूअर नहीं है उसने खुद थोड़ी अश्योर किया होगा कि अरे मुझे मिल जाएगा प्रमोशन नो no. उसको डिपार्टमेंट ने बोला कि यार तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो आपको बिल्कुल प्रमोशन मिलेगा ठीक है तो यहां पर पैसिव वॉइस में बात चल रही है इसलिए यहां पर वॉज लगाना जरूरी है ही वॉज अश्योर्ड ठीक कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट वन okay this is made possible by technology and uh, the internet which is used to connect buyers and sellers worldwide and bring information to the far reaches of the globe so to your surprise there is no error in this sentence but let me see ki kahan kahan hoga. so reaches reaches ka matlab par of course extend to tamatlab alagala far reaches ka matlab hai. ग्लोब के पूरे वर्ल्ड के दूर दराज के एरियाज़ में भी इंफॉर्मेशन पहुँच जाती है तो वो कह रहे हैं कि भाई यू नो दिस इज़ मेड पॉसिबल बाई टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी है हमारे पास इंटरनेट है तो अब ये चीज़ें पॉसिबल है क्योंकि अभी बायर्स और सेलर्स जो हैं वो कनेक्ट हो सकते हैं वर्ल्ड वाइड और इन्फॉर्मेशन जो है वो फार रीचेज ऑफ द ग्लोब में आ सकती है uh, कहीं पर भी पहुंच सकती है इसके थ्रू ठीक है तो कहीं पर भी ऐसा चेयर नहीं है बाकी मेड पॉसिबल मतलब अब वो चीज पॉसिबल है आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी कि कहीं कुछ आपने बना तो नहीं लिया होगा एरर पॉसिबिलिटी तो नहीं है चलिए ओके ठीक द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द रोड वॉज सर्फिस्ड एंड ऑफर्ड रेस्पलेंडेंट व्यूज ऑफ द सुरू वैली विद ग्रीन फील्ड एनक्लोज इन विलोज एंड एप्रिकॉट ट्रीज सो so एक्चुअली में विलोज एक तरीके के ट्रीज होते हैं और एप्रिकॉर्ड ट्रीज हैं तो इनक्लोज इन नहीं होगा यहां पर इनक्लोज बाय समथिंग होता है ठीक है बेटा सो so इसका मतलब है ये जो ग्रीन फील्ड्स हैं मान लो ये ग्रीन फील्ड्स हैं ठीक है, है इसके आजू बाजू यहां पर यू you नो know, इसके आजू बाजू इधर भी और इधर भी दोनों तरफ ट्रीज हैं ऐसा वो कहना चाहते हैं ठीक है थीके? तो इनक्लोज्ड बाय है ना सो so ये एरिया जो है वो इट इज इंक्लोज बाय दिस दीज ट्रीज सो यहां पर इन नहीं होगा इंक्लोज बाय होगा ओके द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द रोड व सरफेस्ट जो पहला सेक्शन था रोड का वो सामने आया एंड ऑफर्ड रेस्पलेंडेंट व्यूज रेस्पलेंडेंट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत अच्छा यू uh, नो you know, एक रिच लुक देती है ठीक है ब्यूटिफुल एंड रिच लुक जिसको कहते हैं उसको रेस्प्लेंडेंट कहते हैं तो सुरू वैली का ब्यूटिफुल एंड रिच लुक आ रहा था जहाँ पे ग्रीन फीज जो है वो ट्रीज uh, के द्वारा इनक्लोज थे सो बाय यहाँ पर आएगा इन नहीं आएगा ठीक है एनक्लोज इन तब हम बोलते हैं जब हम कोई चीज को ऑनवलअप में एनक्लोज करते हैं दैट्स एनक्लोजिंग इन ठीक है जी चलिए बेटा नेक्स्ट वन आपके सामने आ चुका है आइदर द ऑपरेटर और द फोर मैन आर टू ब्लेम फॉर द एक्सीडेंट ओके सो यहां पर आई एम श्योर कि आपने एक एरर बनाया होगा बट एक ऑब्वियस एरर है यहां पर आइदर और हमेशा ध्यान रखिएगा आइदर और के साथ जब आपके सब्जेक्ट्स कनेक्ट होते हैं और अगर वो दोनों सब्जेक्ट जो हैं इंडिविजुअली सिंगुलर और सिंगुलर है इन दैट केस आपका जो वर्ब है ना वो सिंगुलर आएगा ठीक है सिंगुलर आएगा और जो सेकेंड सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से आएगा ठीक है बेटा तो ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर ही आ रहा है और राइट तो यहाँ पर एरर तो वही था बी में बट मुझे पता है कि आपने सी में भी कुछ निकाला होगा कि मैम आर टू बी ब्लेम्ड होगा ना सो आर टू बी ब्लेम्ड या आर टू ब्लेम दोनों का ही मतलब सेम होता है सो आर सपोज टू बी ब्लेम्ड इस तरह से लिखा होना चाहिए था तो यहाँ पर सपोज वर्ड ही सपोज है ऐसा कई बार होता है जो मैं आपको यू you नो know, बताती हूँ जैसे आई एम टू डू दिस थिंग है ना जैसे अगर मैं बोलूँ कि आई एम सपोज टू डू दिस आई एम सपोज टू लर्न आई एम सपोज टू लर्न वो कैबलरी फॉर माई एग्जाम्स सो इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम टू लर्न वो कैबलरी फॉर माई एग्जाम्स तो वो भी सही होगा तो यहाँ पर भी वैसे ही सपोज वर्ड एंड बी वर्ड जो है वो अज्यूम्ड है तो ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं अगर आपको नहीं पता था तो अभी पता चल चुका है ठीक है सो डोंट ट्राई टू मेक दैट एन एरअ बाकी और कहीं पॉसिबिलिटी नहीं है इसमें एरर क्या था हमारा ऑप्शन नंबर जस्ट टू कैलकुलेट बी ऑप्शन नंबर बी वॉज योर एरर ठीक है ओके नेक्स्ट वन बाय ऑल स्टैंडर्ड्स ही इज अ बेस्ट सोल्जर आ मिलिट्री स्कूल हैज प्रोड्यूस्ड सो फार सो so, हमारे मिलिट्री सोल्जर ने आज तक इतना अच्छा सोल्जर प्रोड्यूस नहीं किया प्रोड्यूस का मतलब है कि भाई यू नो स्कूल से ही तो हम कुछ निकलते हैं एंड देन कुछ बनते हैं तो हमारे स्कूल ने ही हमें प्रोड्यूस किया होता है तो वो तो ठीक है उसमें कोई एरर नहीं है बाय ऑल स्टैंडर्ड्स मतलब बाय ऑल मीन्स अगर हम सारे पैरामीटर्स को जज करें तो वो बेस्ट सोल्जर है जब भी सुपरलेटिव डिग्री आप लगाते हैं आप उसके आगे द लगाते हैं ना कि अ तो एरर एक्चुअली में वही था ऑप्शन नंबर ए में ठीक है चलिए दैट वॉज द रूल नेक्स्ट वन कमिंग ओवर टू दिस वन ओके सो द गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर दैट इट विल लॉन्च अ थ्री करोड़ रुपीज प्रोजेक्ट विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी अब एक्चुअली में जब भी करोड़ हंड्रेड थाउजेंड डजन इनके आगे आपको नंबर मिलता है ना तो हम इस पर एस नहीं लगाते हैं ठीक है बेटा हाइफनेट भी है और एस नहीं लगेगा ठीक है हाइफनेट नहीं भी होता ना तो लेकिन यहाँ पे अ लगा है तो हाइफनेट करना ही पड़ेगा अ uh, सो so, हाइफनेट मतलब ये हाइफन लगाना ठीक है लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको इनके आगे नंबर दिया होता है आप एस नहीं लगाते हो सो so, थ्री करोड़ रुपीज ठीक है अच्छा अगर नंबर नहीं दिया होता जैसे कि मान लो ऐसा कुछ तो हम इस तरह से लिखते हैं कि भाई आई हैव स्पेंट करोर ऑफ रुपीज इन रियल एस्टेट मैंने रियल एस्टेट खरीदने में करोर्स ऑफ रुपीज़ जो है वो खर्चा किए हैं सो so, अगर ऐसा दिया होता ना तो इन दैट केस क्या होता है कि आपको नंबर तो दिया नहीं है फिर आप एस लगा देते हो बिकॉज वो हम अप्रॉक्सीमेशन में बात कर रहे होते हैं वहां पे एस लग जाता है बट यहाँ पे तो नंबर दिया हुआ है ना अच्छा एक और चीज़ है कि हो सकता है कि काफ़ी लोगों को ये भी लगे कि इसमें से भी एस हटाना है क्या नो no, इसमें से एस हटाना नहीं है इसमें ज़रूर लगाना है क्योंकि डॉलर या जो भी आपकी करेंसी दी हुई है ना उसको तो आपको ऐसे देना ही है ये जो बात चल रही है ये यूनिट की बात चल रही है सो so, करोड़ पर हमको इसको रूल को लगाना है ना कि करेंसी पर ठीक है सो so, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि वो लॉन्च करेगा आ, करेगी इतने रुपए का प्रोजेक्ट कुछ दिनों में ठीक है सो विद इन बिल्कुल ठीक है क्योंकि कुछ दिनों के अंदर अंदर बोल रहे हैं तो उसमें कोई एरर नहीं है ओके चलिए बेटा नेक्स्ट वन इंडिया हैज एनी कंट्री नॉर हैज एवर कवेटेड एनी वन टेरेटरी बट मेड सुप्रीम सेक्रीफाइस फाइटिंग फॉर अदर्स देखिए कवेटेड का मतलब होता है जो चीज आपको चाहिए हम कहते हैं कि कवेटेड टाइटल यू you नो know, कोई ऐसा टाइटल जो आपको चाहिए होता है इट्स अ वेरी वेरी प्रेस्टीजियस अवार्ड और टाइटल सो कोई भी चीज प्रेस्टिजियस जो आपको चाहिए वो कवेटेड होती है यू लॉन्गिंग फॉर इट आप बहुत उसके लिए दुआएं मांग रहे हो कि मुझे मिल जाए ठीक है दैट्स कोवेटेड इंडिया हैज़ नेवर अटैक्ड एनी कंट्री यू डोंट अटैक ऑन यू जस्ट अटैक ठीक है ना सो अटैक सम वन होता है सो डायरेक्टली एनी कंट्री लगा देंगे ऑन वहाँ पर डिपेंडेंट है सो so, इन्होंने ना तो ऐसा किया है नोर अच्छा यहाँ पर देखिए रूल ऑफ़ इन्वर्जन लगा हुआ है ऑलरेडी वो पॉसिबल एरर हो सकता था उन्होंने पहले वर्ब दिया है फिर सब्जेक्ट दिया है तो वो लगा हुआ है जैसे मैंने आपको अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स देखे हैं तो आपके काफ़ी रूल्स कवर हो रहे हैं गाइस सो सभी पार्ट्स देखिएगा ऐसे रैंडमली कोई भी वीडियो मत देख लीजिएगा क्योंकि मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि बहुत सारे रूल्स आपके दिमाग में जा रहे हैं ठीक है ना तो ये रूल ऑफ इन्वर्जन मैं एक पार्ट में प्रीवियस पार्ट में बता चुकी हूँ इसीलिए वापस इसमें रिपीट नहीं कर रही हूँ ये अज्यूम करते हुए कि आपने देख लिया होगा उसे ठीक है तो ये मत सोचना कि इसकी एक्सप्लेनेशन मैम ने दी ही नहीं सो रूल ऑफ इन्वर्जन मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ सो नॉट हैज इट एवर कवेटेड एनी एनी वंस टेरेटरी मतलब इंडिया ने ना तो किसी कंट्री पे कभी अटैक किया है ना ही किसी और की टेरिटरी को अपना बनाना चाह है ठीक है कवेटेड नहीं कवेच नहीं किया है अपना नहीं बनाना चाह है बट uh, इंडिया ने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं सुप्रीम इम्पॉर्टेंट प्राइम किए हैं दूसरों के लिए फाइट करते हुए ठीक है तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए ठीक है जी नेक्स्ट वन अनलेस वी डू नॉट पे सिस्टमैटिक अटेंशन टू द डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर वी आर लाइकली टू हैव द नेशनल डिस्कोर्स हाईजैक्ट बाय पुअर क्वालिटी डेटा तो यहां पर ऑब्वियस एरर है वो ये है कि अनलेस या इनफैक्ट अंटिल ये जो हमारे कंडीशन वर्ड्स होते हैं इनके साथ हम नॉट नहीं लगाते हैं इनके साथ ऐसा नहीं है कि पूरे सेंटेंस में कहीं नहीं आ सकता अगर यहाँ पर कॉमा के बाद कहीं नॉट लगा होता तो हम उसको नहीं कैंसिल करते ठीक है ना उस क्लॉज में जिसमें अनलेस और अंटिल है उसमें नॉट नहीं आएगा तो इसीलिए वहां पर नॉट नहीं आएगा एंड नॉट हट रहा है तो फिर डू का भी कोई काम नहीं रहता तो एक्चुअली में सेंटेंस का मतलब क्या है अनलेस वी पे सिस्टमैटिक अटेंशन टू द डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर सो जब तक हम डेटा uh, इंफ्रास्ट्रक्चर पर सिस्टमैटिक अटेंशन पे नहीं करेंगे जो हमारा डेटा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो सिस्टम है जो डेटा कलेक्ट करता है जब हम उस पर जब तक अटेंशन पे नहीं करेंगे ना तो हमारा जो नेशनल डिस्कोर्स है डिस्कोर्स का मतलब होता है द डिबेट द स्पीच जो दी जाती हैं द नरेटिव ऑफ़ आर कंट्री वो पुअर क्वालिटी डेटा से हाईजैक होता रहेगा हाईजैक का मतलब होता है बेसिकली जब आप किसी को अपने यू नो कंट्रोल में कर लेते हैं आप उसे जाने नहीं देते हैं दैट्स हाई जैकिंग तो बेसिकली वो यही कह रहे हैं कि पुअर क्वालिटी डेटा से हमारा जो नेशनल यू नो बातचीत है वो ख़राब होती रहेगी क्योंकि बातचीत में आप देखते ही हो मिनिस्टर्स जो है वो डेटा का इस्तेमाल करते हैं तो अगर डेटा ही सही नहीं होगा तो हमारे जैसे अब जैसे मान लो कांग्रेस ने कुछ बोल दिया बीजेपी को है ना अब गलत डेटा पे अगर आप बीजेपी को बोलोगे तो फिर बीजेपी कहेगी अरे ये तो डेटा ही गलत बोल रहे हैं तो आप देख रहे हो ना फिर आप किसी पे इल्जाम भी नहीं लगा पाओगे तो डेटा शुड बी करेक्ट यू आर स्पीकिंग द डेटा शुड बी करेक्ट सो दैट्स ट्राइंग से बट यहां पर जो रूल लगा हुआ है वो है अनलेस के बाद यहां पर फिर नॉट नहीं आएगा बिकॉज उसके साथ नेगेटिव नहीं आता है कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट वन ठीक है सो इट वॉज इन द इन द बेसिस ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन दैट

उन्होंने अक्टूबर 23 को इलेक्शंस कंडक्ट किए नए कॉन्स्टिट्यूशन पर आधारित ठीक है नए कॉन्स्टिट्यूशन पर आधार करके सो ऑन द बेसिस ऑफ होता है ना कि इन द बेसिस ऑफ ठीक है आई होप कि क्वेश्चन आपको बेहतरीन लगे होंगे अपना स्कोर जरूर पोस्ट कर देना कॉमेंट सेक्शन में एंड येस कॉम्बैच टेस्ट संडे को होगा uh, सुबह दस बजे साक्षी ट्वेंटी फोर यूज करके अनलॉक करना है टेंथ ऑगस्ट न्यू बैच आ रहा है ग्रामर का जो भी स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन और ग्रामर पढ़ना चाहते हैं क्योंकि अभी लगातार आपके एग्जाम्स आने वाले हैं तो ग्रामर कॉन्सेप्ट्स तो हमारे स्ट्रॉग होने ही चाहिए आ, तो बिल्कुल बेसिक से उसमें हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं सो दस अगस्त से स्टार्ट हो रहा है बैच सो so जितने भी लेना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डायरेक्ट लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करो और सब्सक्रिप्शन ले लो डिस्काउंट कोड साक्षी ट्वेंटी है ऑलरेडी उस लिंक में लगा हुआ है ठीक है थैंक यू सो मच लास्ट बट नॉट द लीस्ट एडिटोरियल सेशनस रीडिंग इंप्रूव करने के लिए हैं क्योंकि ये सब मेन सीजन आ गया है सो द बैंकर्स यूट्यूब चैनल पर आपको जाना है और द हिंदू एडिटोरियल क्लास सेवन ए एम वहाँ पर होती है ठीक है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास क्लास को लाइक like जरूर कर देना थैंक यू सो मच बाय